देखो इसकी किस्मत का था। एक ये पपी है जो ये भाई लेके गया घर, ये सेवा कर रहा है, वो दुख में है, सच में है, टैलेंट है ना कन्विंसिंग, मैं वो भी कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है यार। तो गाइज अभी आ गए हम ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करने, और ब्रेकफास्ट भी हरा बहुत लेट हो रहा है यार। ये है नागपाल छोले भटूरे वाले, काफी फेमस है इंद्रपुरम के, तो चलते टेस्ट करते हैं। वानगी कमाल की है यार। मैंने मतलब हमारे करोलबाग में भी हैं, बहुत पॉपुलर छोले भटूरे वाले हैं, बट यहाँ तो लगी है भाई 25 प्लेट पैक कर दे, 40 प्लेट पैक कर दे, कमाल है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं आज छोले भटूरे का दिन है? हम भी जरा इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो गाइस ये आ गए हमारे छोले भटूरे, ये आ गए नागपाल के, तो अब इसको टेस्ट करते हैं यार, ठीक है। गाइस तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, छोले भटूरे कमाल के छोले भटूरे थे भाई, और अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए भैया कहीं काम कर लेते हैं, कहीं अगर सोने लग गए तो पूरे दिन कुछ खाया नहीं जाएगा और पूरे भटूरे घूमते रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले तो एडोरा का खाना खत्म हो गया है, उसका खाना लेकर आते हैं, क्योंकि एडोरा अभी नीचे आराम कर रही है, उसको पता चल गया तो वो चीखेगी भैया मेरा खाना खाया तुमने तो खा लिया, और शालू भी आराम कर रही है। और उसके बाद हमारी एक ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, और वो पता नहीं कब होने वाली है, या इसी वीकेंड में है या अगले वीकेंड में। उससे पहले गाड़ी की थोड़ी सी मुरम्मत करा लेते हैं यार, उसको भी सजा लेते हैं, क्योंकि हम तो सज जाते हैं, उसकी बड़ी ख़राब कंडीशन हो रही थी क्योंकि उसकी पार्किंग नहीं है ना डेडिकेटेड। तो अब ये काम करते हैं, पहले खाना लेकर आते हैं और फिर चलते हैं गाड़ी को संवारने। चलो 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 जल्दी चलो, इससे पहले कोई उठ जाए और मैं जा ना पाऊँ। गाइस इवन तो ना आज टाइम पे याद आ गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगने वाली है और फ्राइडे है, और मैंने टाइम से ही जाके गाड़ी साइड कर ली थी, नहीं तो इस टाइम तक तो यार सबके काउंटर लग जाते ना और बहुत डिफिकल्टीज होती। दुकान लगने वाली है सबकी, देखो मार्केट, आप रोड को मत देखिए यार, रोड तो ऐसे रहने वाली है, पता नहीं कब ठीक होगी, क्योंकि गाड़ी अंदर पार्क ही नहीं हो पा रही यार, बहुत दिक्कत वाला काम है यार। और बस मैंने कोने में पार्क करी है वहाँ पे, तो वहाँ से निकालते हैं और सबसे पहले खाना लेने चलते हैं। चलो ये सारी की सारी मार्केट यार, क्योंकि यहाँ लग जाएगी तो फिर गाड़ी पार्क करने की कोई जगह नहीं मिलती। यहाँ लाल परी वो खड़ी पीछे छाँव में मैंने खड़ी करती थी यार। अब इतनी गर्मी हीट है, ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी निकला है अंदर से, बहुत ज्यादा हीट है यार, क्या कर सकते हैं भैया। ऐसे तो पहले बंदा रखना पड़ेगा कि पहले जाके खोल 10 मिनट में यार, पता नहीं वो टाइम कब आएगा। अब बंदे हम ही है भैया, हम ही पैसे ले लेंगे, हमें नहीं रखना किसी को। हो भाई साहब, गाड़ी भी धन है यार, बहुत गर्मी है यार। भाई गाड़ी चाहे पुरानी लो या नई लो, जब तक डेडिकेटेड स्पेस हो ना, इन पे भी थोड़ा सा रहम कर दिया करो यार, ये आपको पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाती है भाई, आपकी फैमिली का पार्ट होती है यार। साफ कर ले थोड़ा सा, एक तो इसका वाइपर भी खराब हो चुका है यार, ये देखना ये कहाँ घूम रहा है, ये कहाँ घूम रहा है, ये आवाजें निकाल रहा है। अरे बस कर, बस 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 कर। सामने आ गई दुकान, अभी चलते हैं यार, चलो ये लेके फिर चलते हैं गाड़ी के लिए। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली जो हम लेते हैं एडोरा के लिए पपी रॉयल कैनन का, वो मिला नहीं, अब दूसरी दुकान पे देखना पड़ेगा भैया, और घर पे लेके ही जाना है भैया, नहीं तो खैर नहीं है हमारी, क्योंकि अपने खाने तो हम अरेंज कर लेते हैं, उस बच्चे का भी करें ना। तो गाइस अभी एक नई दुकान पे आया हूँ, आई होप सो यहाँ पे खाना मिल जाए यार, क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं तो सरा चला के पागल हो गया। देखो भाई साहब ये नन्हे मेहमान है, क्यों भाई बैड लक यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे भी कह रहे कि भैया रखते नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, काफी टाइम से हमने मंगाया नहीं है, क्योंकि काफी महंगा फूड है। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो हम दो रोटी कम खा रहे हैं, बट अपने बच्चे को हम अच्छा खाना खिला रहे हैं यार, क्वालिटी वाला। तो बस ये है कि अब मैं एक सोच रहा हूँ, एक काम कर लेते हैं भैया, जो गाड़ी का काम करा लेना था पहले वो काम करा लेते हैं, क्योंकि दिन दिन में काम हो जाएगा तो पता चल जाएगा कितना सही काम हो रहा है कितना सही काम नहीं हो रहा है, अंधेरे में पता नहीं चलेगा। और मैं सोच रहा हूँ इसको वॉशिंग तो करा ही लें और रबिंग पॉलिशिंग भी करा लेते हैं, क्योंकि भाई ने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि भाई साहब ऐसी चमका देंगे ऐसा लगेगा कि शोरूम से अभी निकली और आधे रेट पे भेज दो, ठीक है। तो अभी गाड़ी का काम कराते हैं, और गाड़ी का काम कराते ही जैसे ही फ्री होते हैं फिर निकलते हैं खाने की खोज में, और खाने लेकर ही हमें घर निकलना है भाई,
हम लेके ही जाएंगे घर, तो पहले आप काम कराते हैं गाड़ी का। तो गाइस आ चुके हैं यार भाई अपनी गाड़ी की मरम्मत कराने, और सद्दाब भाई तो मिले नहीं और अपना भाई मिल चुका है और कह रहा है कि ऐसे चमका दूंगा कि आप आधे के भाव में भेज दो इसको जितने के लाए थे। तो मैंने बोल दिया भाई चमका ऐसा दियो कि कोई दिक्कत ही ना हो, मतलब दूर से चमके एकदम। सारे छोटे छोटे दाग जो बिंदियां लगी हुई है ना सब बिठा दियो यार मेरी जान। भाई यहाँ भी पोपट हो गया, जो वॉशिंग वाला पंप है ना वही खराब है भाई के पास, बट तब भी कह रहे हैं भाई जो बड़े भाई सदाम भाई के, वो कह रहे हैं कि यार मैं कहीं ना कहीं से आपको धुलवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहते भैया मुझे नहीं पता, सदाम भाई ने मुझे पूरा पैकेज दिया था कि रबिंग पॉलिशिंग और वॉशिंग और इतने रुपये में, रुपये आपको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि भाई यार ईद अभी निकली है तो थोड़ा डिस्काउंट भी तो लूंगा ना यार, बट अभी खड़े होके काम करवाते हैं। भाई कम से कम लग जाएंगे, कह रहा है 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, बहुत इत्मीनान से करूंगा और बहुत आराम से करूंगा और बहुत अच्छे दिन आ गए भाई। लेबर नहीं है इनकी, एक ही लेबर है और वो कह रही है मैं बहुत आराम से करूंगा, और मैं उनको बातों में भी लगा रहा हूँ यार, थोड़ा सा ना अपना जो टैलेंट है ना कन्विंसिंग मैं वो भी कर रहा हूँ। ये देखो गाइस मेरा न्यू फ्रेंड कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा। और देखो सब भगवान चुनते हैं कि किसको खाना मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, देखो इसकी किस्मत का था, कहेगा ना चलो ये ले खा ले खा ले खा ले खा ले आराम से खा ले। आए मेरा बच्चा आए, आजा। नहीं 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 ये नहीं लेना, रुक जा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया बच्चा, गॉड ब्लेस यू दे रहा हूँ मेरा बच्चा। सच में यार हम कौन होते हैं किसी को खाना खिलाने वाले यार, सब तकदीर का खेल है यार, जहाँ दाना पानी वाहेगुरु ने लिखा है ना वो उसको मिल जाता है यार। मैं 2-4 दिन से ये लेके घूम रहा था इसके अंदर यार, और इस बच्चे के नाम पे लिखा था यार, गॉड ब्लेस यू यार। बस ऐसे ही यार कहीं ना कहीं ये दिखे तो इनकी सेवा कर दिया करो भैया, कुछ नहीं जाता, ये कुछ नहीं मांगते, ना पैसे मांगते ना कपड़ा मांगते हैं और ना ही आपके बैंक का OTP मांगते हैं भाई, थोड़ा सा प्यार दिखा लिया करो यार। खत्म हो गया मेरे बच्चे, बाद में मिलेंगे, अब बाद में, नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ध्यान रखियो अपना, गॉड ब्लेस यू यार। अभी ना एक बात पता चली है मुझे और मेरी रूह कांप गई है यार, सच में यार, मतलब यहाँ जो वर्कर काम करे उन्होंने बताया जिसको मैं अभी खाना खिला रहा था ना वो मदर है और उसे अभी बच्चे दिए थे, मतलब लगा लो 15 दिन पहले यार, और मतलब कल कोई नवाबजादा आया गाड़ी बैक कर रहा था, दोनों बच्चों के ऊपर गाड़ी चला दी यार उसने, और ये माँ ना पूरी रात रो रही थी, ये वर्कर बता रहे हैं पूरी रात रो रही है, अंदर आके ढूंढ रही है मेरे बच्चों को कहाँ हैं। अरे भाई हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि इंसान के बच्चे को अगर कुछ होता है ना तो तुम पूरा परिवार सोशल मीडिया सब हिला देते हो कि हमारे बच्चे को ये मार दिया, ये हो गया वो हो गया, भाई वो भी किसी के बच्चे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो यार, क्योंकि जो वो रोई है ना उसकी गूंज वो सीधा मालिक के पास गई है, सच बता रहा हूँ, चाहे आपने इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली देख लिया करो गाड़ी के आसपास कोई है तो नहीं कुछ यार, लानत है इंसानियत पे यार। ये रही यार वो देख, उसकी हालत बता रही है कि वो होपलेस है यार, वो कितनी मतलब अपने बच्चों को ढूंढ रही होगी, क्या कंडीशन होगी यार। तो गाइस एक ये पपी है जो ये भाई लेके गया घर, ये सेवा कर रहा है यार, तो भाई इसकी सेवा ना दिल से करियो मेरी जान, बिल्कुल इसको पूरा लास्ट तक रखियो इसकी पूरी सेवा जो कर सके तू। देख कितना प्यारा बच्चा है यार, ये देखो तुम्हारा कल लेकर जाता हूं। नहीं अब क्या करें यार, उनकी लिखी यही थी ना, क्या करें, मैंने तो नवा दुआ का तैयार करा था मैं सामने। नहीं मेरी जान तू जो भी करता है एक बिस्किट या कुछ ना कुछ उसको पानी वानी पिला दियो यार मेरी जान, क्योंकि वो दुख में है भाई, वो दुख में है, सच में है, किसी का बच्चा खोजे ना किसी से पूछो, इंसान से पूछो पागल हो जाता है, क्या करें, वो ढूंढ रही है ना कि मेरे बच्चे कहाँ थे यार, यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं चढ़ा दिया उसने, सेवा कर लियो मेरी जान, इनका सीधा डायरेक्ट ऊपर अप्रोच जाती है और किसी की नहीं जाती, ले जाइए मेरी जान, ले जाइए, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है, ठीक है। वो देख, देखा भी नहीं जा रहा यार। तो भाई 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, ऑलमोस्ट 1/2 घंटा लगेगा, लास्ट की पॉलिश रह गई है, और सच में भाई ने कमाल का काम किया यार, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ अगर आपको जजमेंट हो पाए तो। ये देख लो मेरे भाई ने पूरी चमका दिया भाई, अरे क्या बात है, ऑसम गाइस। ये देखो फिर आ गई मेरे पास यार,
सीरियसली यार, मेरे को उसको देख के इतना तरस आ रहा है, इतना रोना आ रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ यार। सिर्फ प्यार चाहिए इनको, और क्या चाहिए यार। उसे पता है, उसको ये दुख है कि उसने अपने बच्चे खो दिए हैं यार। सॉरी बेटा, मैं उनके बिहाफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। कोई नहीं, दोबारा आ जाएंगे बच्चे, कोई नहीं। कितनी प्यारी है यार, ऑल दे नीड इज लव, केयर, दैट्स इट। कमाल भाई, कमाल कमाल, बहुत बढ़िया। देखो गाइस, 3 घंटे का रिजल्ट आपको खुद पता चल रहा होगा। बहुत बढ़िया भाई, सारी हाथ की मेहनत यार, कोई मशीन की मेहनत नहीं। ये शाइन आ गया। बहुत बढ़िया गाइस, भूख प्यास से बेहाल। अब मैं सोच रहा हूँ कि काम जल्दी ख़त्म हो तो पेट में कुछ डालें यार। और अभी मार्केट से 2-4 सामान भी लेके जाना है, और एडोरा का भी खाना लेना है भाई, मुझे याद है। उसका खाना लेकर ही अंदर ही घुसेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे यार, पनीर लेंगे, ब्रेड लेंगे, कुछ तो लेंगे।